घूम रहा है भाई, देख सकते हो भाई। भाई पुलिस वगैरह सब कुछ यहाँ पर है भाई। वो तो देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यानी इंजन भी सीज हो गया ऐसा लग रहा है। तो अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसको बोला था इतना गाड़ी का मात भागा सुनता है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू एपिसोड। गाइस तो कैसे हो आप सब बड़े एंड खुश। तो गाइस तो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है ब्लॉग को देखने का। तो गाइस तो आज दो लेजेंडरी बाइक एक साथ में होगी। गाइस तो मैंने बहुत दिन से बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लेकिन बहुत ही दिन से मैं बाइक को यूज़ नहीं किया है। तो गाइस तो यहाँ से चलते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है। गाइस तो फाइनली गाइस तो बाहर आ चुकी हो। पेट्रोल बहुत ही ज्यादा कम है। तो ऐसा काल बहरमपुर गया था कुछ दिन पहले, तो उस दिन से पेट्रोल वगैरह कुछ भरा नहीं था यानी। तो यहाँ पर जाएंगे और एक RX भी आएगी, एक लेजेंडरी बाइक भी आएगी। आज भाई तबाही मचाएंगे। तो वो बंदा आ चुकी है, तो मेरे को फोन कर रहा था तो कहाँ पर हो, तो मैं बोला था पेट्रोल पंप के पास आ जा। देखो पेट्रोल वगैरह थोड़ा सा डाल लेती हूँ, फिर चलते है भाई। इस पेट्रोल एकदम भर लिया। तो बंदे ने यहाँ पर खड़ा है, तो बंदे ने पहले से आ गया। तो देख सकते हो गाइस तो यहाँ पर लेजेंडरी बाइक भी आ चुकी है गाइस। तो आ जाएंगे थोड़ा सा बाहर। किधर जाना है? इधर ना, इधर किधर बोल। तो उस बाइक को देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगती है भाई। जब आवाज़ देखो भाई, आवाज़ देखो भाई। ये बाइक भाई बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है गाइस। तो गाइस उसका आवाज देखो भाई, तेरे चिरा। जब मार्केट पे लेके जाऊंगी ना तो भाई बहुत ही तबाही मचाएंगे हम लोग। आज जाएंगे बहुत ही ज्यादा तबाही मचाएंगे। रिएक्शन देखेंगे कितना रिएक्शन मिलता है गाइस। आज बाहर बाजार भी जाएंगे 2 RX को लेके। तो लोग का एक्सप्रेशन देख सकते हो गाइस। हाय आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं कैसा घूम रहा है गाइस। तो एक साथ में जाएंगे ना तो भाई बहुत ही ज्यादा तबाही मचाएंगे। तो ऐसा सुनो जा भाई। बाजार पूरा हिल रहा है भाई। आवाज सुनो भाई, आवाज सुन के भाई सभी लोग फैन हो जाएगा। इलेक्शन सामने इलेक्शन है, इसलिए भाई बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक वगैरह यानी पुलिस वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो पुलिस वगैरह भी वहाँ पर था, लेकिन जाने के बाद भाई इतना स्लो भी जाना पड़ेगा। लेकिन भाई अटका देगा ना भाई तो बाइक ले लेगा, ऐसा बात है। सभी लोग पर घूम रहा है भाई, देख सकते हो भाई। पुलिस वगैरह सब कुछ यहाँ पर है भाई। तो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है गाइस बाइक। बाइक को बाहर करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो गया गाइस। वो तो भाई बहुत ही ज्यादा भगा रहा है यार। ओ भाई यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुकी है गाइस, देख सकते हो। तो ऐसा हो रहा है, रात रेस हो रहा है, ऐसा लग रहा है गाइस। ऐसा हो रही भाई, ड्राग रेस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है भाई। वो क्या बच्चा गया लेवल का पार भाई, लेवल का। गाड़ी थोड़ा स्लो चला, बाइक का थोड़ा स्लो चला। एक रात हो जाए लेवल का फॉर्म है, लेवल का क्या बताओ गाइस। तो इना गाइस तो आखिर नहीं आती हूँ, कोई ट्रेन वगैरह लेकर आती हूँ, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही सुनसम जाता है गाइस। तो यहाँ पर काफ़ी लोग काम रहते हैं, लेकिन मार्ट वगैरह के लिए आता है, लेकिन कोई घूमने फिरने यानी फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा लोकेशन बेस्ट है गाइस। तो यहाँ पर थोड़ा पर यहाँ पर रुकेंगे। ओ रुक जा, ए यहाँ पर रुक जा। वो भांदे ने सुन नहीं पा रही है यार, सुनना ही नहीं चाहती है, उसको रास्ता देख के भाई वो भागा रहा है यार। तो क्या पता भाई, रास्ता मिल जाना भाई अच्छे से। रास्ता देखो भाई, थोड़ा सा रुक जाती है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा। थोड़ा सा स्लो तो चला गए, हाँ इतना भागा रहा है, इतना भागा रहा है। इंडिकेटर भाई देख सकते हो भाई, दोनों तरफ से टूट गया, यानी आठा वगैरह से कोई भी काम नहीं आ रही है गाइस, ऐसा ही रहता है गाइस। पर आ गया तो थोड़ा सा रुक गया, नहीं तो रुकना ही नहीं चाहती है गाइस। तो बहुत ही ज्यादा चिरा गाइस बाइक को। तो इस बाइक को थोड़ा सा देख लो गाइस। तो ये बाइक पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है भाई। तो ये उस दिन पहले बाइक को लिया तो भाई ने थोड़ा सा बोल रहा है, तो मेरा जैसे मॉडिफाई करेगा ऐसा बोल रहा है। तो ये देख सकते हो भाई, इसका वाइजर वगैरह यानी इसका कलर वगैरह देख सकते हो। इसका जो कलर किया ना भाई, वो हाथ से किया है, यानी घर से, यानी कोई भी ब्लैक कलर का है ऐसे लपेट दिया गाइस, ऐसे रंग कर दिया। तो कोई बात नहीं। तो इसका देख सकते हो भाई, इसका फ्रंट भी देखो, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है। तो इसमें वगैरह चलाने के बहुत ही साउंड बहुत ही अच्छा मिलता है गाइस। वो जो बाइक है ना, दोनों बाइक से भाई कॉम्प्रोमाइज़ करो तो भाई सेम ही बाइक है, कोई भी इशू नहीं है। तो एक ही सेम बाइक, और इसका भाई कंडीशन वगैरह बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन भाई चलता है भाई मस्त। को भी ट्राई करेंगे, थोड़ा सा व्हीली वगैरह ट्राई करते हैं और कैसा लगता है वो भी दिखाएंगे। ये भाई, वो भाई ये तो मुझे इंजन में से पूरा जाम कर दे रहा है नीचे, तेल नहीं बढ़ा हुआ। ये क्या भाई करे, इसको ठेलना पड़ेगा, नहीं तो अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ठेल इसको, तो यही भाई प्रॉब्लम होगी। तो भाई बाइक का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए खेलना पड़ रहा है। खेल स्टार्ट ने ले लिया। भाई किक से नहीं लेता है गाइस। यार फिर से बंद हो गया। तो मेरा बाइक को थोड़ा सा इतना प्रॉब्लम नहीं था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, वो सब कुछ सॉल्व कर दिया मैंने। तो कोई बात नहीं, एकदम प्रो मस्त चलता है भाई, एक किक में स्टार्ट होती है भाई गाइस, चला जाता है। बाइक को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यानी इंजन भी सीज हो गया ऐसा लग रहा है। तो अभी तक किक बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुकी है गाइस, स्टार्ट भी नहीं हो रही है भाई। इस बाइक को यही प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करूँ ऐसे समझ नहीं आ रहा, बहुत दूर आ चुकी हो गाइस, तो इसमें ठेलना पड़ेगा ऐसा लग रहा है गाइस। तो अभी तक आंध्रा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर बाइक को लेके फंस गया, तो लेकिन देखना पड़ेगा या स्टार्ट हो गया नहीं हो रही है। तो यहाँ किक देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया गाइस। तो मैंने बांधे के बोला थोड़ा सा धीरे चल, तो धीरे नहीं जाएगा, तो ठेल के ले जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है गाइस। तो देखते हो क्या सीन होता है या क्या नहीं होता है। तो एक बांधा आ रहा है, आजा थोड़ा सा रुक, तेरा का कुछ बोलना है क्या, बोल। एक यहाँ से चलते हैं घर। और देख रहे हो तो अभी तक स्टार्ट लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है, तो लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसमें इंजन भी बहुत ही ज़्यादा सीज हो चुकी है। तो गाइस तो चाप इसको ठेलना पड़ेगा बॉस, बैठ जा। तो गाइस इसको ऐसा करके कितना दूर लेके भाई कितना टाइम भी लगेगा भाई। तो इसको गैरेज लेके जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर देखते हैं क्या हाल है या क्या ठीक होती है क्या नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई भी गैरेज वगैरह नहीं है, लेकिन भाई बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो कितना दूर ये मुझे मालूम नहीं है। तो भाई ऐसे करके भाई गांव का अंदर आ गया, तो यानी 4 किलोमीटर आ चुकी हो भाई। यहाँ पर एक गैरेज मिल गया, ये रुपये क्या है, इंजन खुलता है ये भाई डायरेक्टली बच्चे इंजन खुलता है तो नहीं होगी, चल ना घूम नहीं रहा है भाई, चक्का ही घूम नहीं रहा भाई एकदम। यार कितना भी कोशिश कर लो भाई, यानी 6 यानी 7 हज़ार का बजट बोल रहा है। तो इंजन प्रोसा एकदम से सीज हो गया गाइस, तो क्या बात हो आपको। तो अभी तक है एन एच का ऊपर, तो बाइक को घर लेकर जाना पड़ेगा। आप या मास्टर और ऐसा प्यार बात से तरह गाइस, फिर मिलते हैं और एक इंजन वीडियो लेकर, तब तक बाय एंड टेक केयर।